उत्तर प्रदेश विशेष, सबसे पहले बात की गई है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला, ठीक है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला आगरा देश का पहला जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा। आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सीवर कनेक्शन के कार्य की अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग निचले इलाकों में किया जा रहा है। 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए में 240 घरों का वैक्यूम सीवर नेटवर्क बनाया गया है। सभी कक्ष भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित सेंसर से लैस हैं, जो कक्ष के क्षेत्र और समस्या इंगित करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य, ठीक है, ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम दिवस 1 मई 2022 पर प्रदेश के 11.5 लाख से अधिक पेंशनकारों को सुविधा सुगम जीवन की बड़ी सौगात देते हुए लोक भवन में पेंशनरों के लिए ऑनलाइन सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए 1,220 पेंशन धारकों के खातों में पेंशन भी हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पेंशन पाने वालों का पेंशन भोगी नहीं पेंशन योगी के रूप में सम्मान होना चाहिए। नई व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त से 3 महीने पहले पेंशन के पेपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ई पेंशन पोर्टल पर 6 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल, ठीक है, काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को मिला लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? सिद्धार्थ नगर ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है UPPCS में मैचिंग में। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिला प्रशासन द्वारा काला नमक चावल, ठीक है, काला नमक राइस को बढ़ावा देने के प्रयासों को 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। काला नमक चावल, जिसे भगवान बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है, को सिद्धार्थ नगर जिले के समग्र विकास के लिए एक मिशन मोड योजना, एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। उत्तर प्रदेश की 100 सदस्य, ठीक है, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 100 सदस्य विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे की 36 रिक्त सीटों के लिए चुनाव 12 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ। इनमें से 33 सीटों पर विजय दर्ज करने के साथ भाजपा ने उच्च सदन में अब स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की तथा समाजवादी पार्टी को एक भी सीट इन चुनावों में नहीं मिली। चुनाव वाली 36 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध ही चुन लिए गए थे, जिसमें से 27 सीटों के लिए मतदान 12 अप्रैल को संपन्न हुआ था। चुनाव के इन परिणामों के चलते उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में भाजपा की सीटों की संख्या 33 से बढ़कर अब 66 हो गई है, जबकि समाजवादी पार्टी की संख्या 17 ही रह गई है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद के लिए 38 सदस्य विधायकों का द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 36 सदस्यों का चुनाव स्थानीय प्राधिकार कोटे से होता है, जिनमें से जिनके लिए जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर पालिकाओं व नगर निगम के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। 8-8 सीटें शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अहत आती हैं, जबकि 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यूपी, हमारे जो यूपी विधान सभा है, इसमें कितने, मतलब विधान परिषद, सॉरी, ठीक है, विधान परिषद में 10 हमारे जो मेंबर्स हैं उसको नॉमिनेट करा जाता है राज्य
पाल के द्वारा। नेक्स्ट है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोसा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी। यह पहल मीठी क्रांति, ठीक है, मीठी क्रांति के अनुसरण में की गई है। उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत से बचने के लिए अधिकांश मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को एजेंटों को अपने खेतों में बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं। प्रसंस्करण वैन मधुमक्खी पालकों के शहद निकालने और प्रसंस्करण लागत को कम कर देगी। शहद में मिलावट की गुंजाइश है क्योंकि प्रसंस्करण मधुमक्खी पालकों और किसानों के दरवाजे पर किया जाएगा। यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। इस मोबाइल वैन की डिजाइन 15 लाख रुपए की लागत से खादी और ग्रामोद्योग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोखेड़ा में तैयार किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और हैदरपुर आर्द्र भूमि रामसर साइट घोषित की गई है। कौन कौन? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और हैदरपुर आर्द्र भूमि रामसर साइट घोषित की गई है। तो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को, ठीक है, के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्य जीव अभयारण्य और गुजरात के, ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्य जीव अभयारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। इन दोनों स्थलों के रामसर साइट में शामिल होने के बाद देश में संरक्षित आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 49 हो गई है, जो 10.39 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है 10। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल स्थल प्रदान करता है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था। यह भारत का 49वां रामसर स्थल है, ठीक है। तो यूपी में हो गए हैं 10 और भारत में है 49, याद करिएगा, कहीं ना कहीं मैचिंग में या किस तरीके से स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है। फिर हैदरपुर आर्द्र भूमि रामसर साइट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। हैदरपुर रामसर साइट का दर्जा पाने वाला भारत का 47वां स्थल था। हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ था। गंगा और सोलानी नदी के बीच 6,000 हेक्टेयर में फैला यह वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है। यह आर्द्र भूमि पौधों की 30 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 300 प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। नेक्स्ट है, रामसर सूची का उद्देश्य ऐसी आर्द्र भूमि का अस्तित्व बनाए रखना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिस पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1975 में यह लागू हो गई थी। यह स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। बखीरा उत्तर प्रदेश और खिजाड़िया गुजरात अभयारण्यों के रामसर स्थल में शामिल होते ही देश में संरक्षित आर्द्र भूमियों की कुल संख्या हो गई है 49। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है, जो इस प्रकार है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव, दो नंबर पे है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये हमारे यूपी में मैचिंग में भी आ जाता है।
उन्नाव में है, सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, हरदोई में है, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है, पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है, जिसमें मैंने टिक करी है, सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। सरसई नावर झील ये इटावा में है, सूर सरोवर झील और कीथम झील जिसको बोल जाता है ये आगरा में है, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कहाँ है, संत कबीर नगर। तो इस तरह से हमारे यूपी में 10 साइट्स ऐसी हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंदर आती हैं। इस अवसर पर भारत की आर्द्र भूमि भौतिक रूप से और अहमदाबाद की स्पेस एक्सीलेंस सेंटर SAC द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस भी जारी किया, जो पिछले एक दशक में आर्द्र भूमि में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और SP सिंह बघेल तथा NIXI के CEO अनिल कुमार जैन ने संयुक्त रूप से आगरा से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया है। इन इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स कहाँ कहाँ हैं, आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में शुरू किए गए हैं। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या 8 हो गई है। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज गौतम बुद्ध नगर में है। भारत में NIXI के इन नए इंटरनेट एक्सचेंजों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में मदद मिलेगी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो वर्ष 2003 से कार्यरत है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास, कहाँ, लखनऊ में। भारत व रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसके अब तक अनेक परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं का उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किया। मिसाइल उत्पादन इकाई के साथ ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर DTTC का शिलान्यास भी उन्होंने किया। ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र के लिए 200 एकड़ भूमि प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ के हैरानी, क्या नाम है, हरौनी, सॉरी हरौनी में उपलब्ध कराई, जहां अगले 2 से 3 वर्ष में ब्रह्मोस निर्माण इकाई बनकर तैयार हो जाएगी। इस इकाई से 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रतिवर्ष तैयार हो सकेंगी। पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस न्यू जनरेशन ब्रह्मोस NG मिसाइलों का उत्पादन यहाँ किया जाएगा। इस इकाई से प्रतिवर्ष 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे कौन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। देश में अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया। 22,400 करोड़ की लागत में बने देश के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के द्वारा बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ व गढ़वा मऊ, अब लखनऊ व गाजीपुर भी इसमें जुड़ गए हैं। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए श्री मोदी ने वायुसेना के सुपर हरकुलिस विमान से ही इस एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। वायुसेना के सुखोई 30 व मिराज 2000 जैसे विमानों ने भी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग व टेक ऑफ कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस अवसर पर किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग व टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम नहीं रहेगा। 1,350 किलोमीटर लंबाई वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। इसके पश्चात मेरठ प्रयागराज के बीच
594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी 2024 तक पूरा होना है। नेक्स्ट है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या, तथा मध्य प्रदेश में हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। 1889 ईस्वी में स्थापित इस स्टेशन का नाम बदलने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के पश्चात प्रदेश सरकार के नाम परिवर्तन की अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को उन्होंने जारी करी। नेक्स्ट है, दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बराही देवी धाम। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर स्थित दांदूपुर स्टेशन का नाम माँ बराही देवी धाम किया गया है। इस नए नामकरण की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2020 में ही की थी। विभिन्न औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात दांदूपुर का यह नाम 25 नवंबर 2021 से प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राटौल आम की GI टैग दे दिया गया है। 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध राटौल आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। इस आम का नामकरण राटौल गांव के नाम पर किया गया है जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह आम अपने विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है। राटौल आम को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 5.5 से 7.5 pH मान के साथ रेतीली और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह आम बागपत जिले की खेकड़ा तहसील की रतौल, शेखपुरी, विनयपुर, मुबारकपुर, तिगरी और लह छोड़ा के लगभग 85 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन। इस राज्य की 403 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव 7 चरणों में क्रमशः 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च तथा 7 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जारी चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 255 सीटें प्राप्त हुई। बीजेपी का मत प्रतिशत लगभग कितना था? 41.3% था। बीजेपी के साथ दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी रही, जिसे इस चुनाव में 111 सीटें मिली, जो कि मत प्रतिशत का 32.1% था। राज्य के अन्य दलों में अपना दल सोने लाल को 12 सीटें, राष्ट्रीय लोक दल को 8 सीटें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें, निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल को 6 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 सीटें, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को 2 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनावों में सर्वाधिक पहले की तुलना में 47 महिलाओं ने चुनाव जीता है, जिसमें सर्वाधिक 29 महिलाएं बीजेपी से हैं, 14 महिलाएं सपा से हैं, अपना दल से 3 और कांग्रेस से 1 महिला विधायक चुनी गई है। बीजेपी गठबंधन राज्य में 403 सीटों में 273 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से राज्य में लगातार दूसरी बार किसी पार्टी ने राज्य की राजनीति में 37 वर्ष बाद यह कारनामा किया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल रही। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ को 24 मार्च 2022 को विधायक दल की बैठक में विधिवत नेता चुना गया। 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और
ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ 52 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। इन मंत्रियों में 18 कैबिनेट और 14 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री शामिल हैं। साथ ही योगी मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ। नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण राज्य में 21 अगस्त 2021 को आरंभ हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य की 75 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने मिशन शक्ति के पहले 2 चरणों में उल्लेखनीय कार्य किया है। समारोह में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1.50 लाख पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण भी किया गया। इस अवसर पर बदायूं में वीरांगना अवंती बाई बटालियन के प्रांगण का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया गया। मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। अभियान के तहत 59,000 गांव पंचायत भवनों में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया जाएगा। 1 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। मंडल मुख्यालयों एवं गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी परियोजना का क्रियान्वयन 84.79 करोड़ रुपए से 1,286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य को स्वीकृति दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2 अगस्त 2021 को संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से इतर किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें प्रत्येक बच्चे को 2,500 प्रति माह दिए जाएंगे। एक परिवार के पात्र अधिकतम 2 बच्चों को ही इसको लाभ मिल पाएगा। माता पिता या दोनों को खोने वाले बच्चों को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व राज्य सरकार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को स्वीकृति दे चुकी है। इसमें कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह 4,000 देने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 22 जुलाई 2021 को लोकभवन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। राज्य सरकार की यह नई योजना कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए लाई गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रति माह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा कोविड द्वारा अनाथ हुई लड़कियों को शादी के समय 1,01,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। साथ ही योजना के तहत पात्र स्कूली या कॉलेज छात्रों या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट और लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। पहल के शुभारंभ पर पहली तिमाही के लिए 12,000 रुपये की राशि ऐसे 4,050 बच्चों के बैंक खातों में डिजिटल रूप से अंतरित की गई। फिर है मडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस रेलवे स्टेशन रखा जा रहा है। उत्तर पूर्व रेलवे NER के अधिकारियों ने 15 जुलाई 2021 से वाराणसी शहर में मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नई पहचान वाले इस स्टेशन का कोड क्या है? BSPS होगा। नए चित्र साइन बोर्ड में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में लिखे बनारस को दर्शाया गया है। काकोरी कांड का नाम परिवर्तित। राज्य सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसका नाम इसलिए परिवर्तित किया गया है क्योंकि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। वर्ष 2022 में 100 वर्ष पूरे करने जा रहे चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाई।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जारी की। निर्धारित लक्ष्य क्या है? 2026 तक सकल प्रजनन दर को 2.5 से घटाकर 2.1% और 2030 तक 1.9% करना है। आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर को 31.7 से बढ़ाकर 2026 तक 45 और 2030 तक 52% करना है। पुरुष गर्भ निरोध उपयोगों के तरीकों को 10.8% से बढ़ाकर 2026 तक 15.1 और 2030 तक 16.4% करना है। मातृ मृत्यु दर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को प्रति 1 लाख जन्म पर 197 से घटाकर 2026 तक 150 और 2030 तक 98 करना है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1,000 जन्म पर 43 से घटाकर 2026 तक 32 और 2030 तक 22 करना है। 5 वर्ष से कम आयु की शिशु मृत्यु दर को प्रति 1,000 जन्म पर 47 से घटाकर 2026 तक 35 और 2030 तक 25 करना है। जीवन प्रत्याशा को 64.3 से बढ़ाकर 2026 तक 66 और वर्ष 2030 तक 69 करना। और बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के जो हैं उनको बाल बोलते हैं, वो 889 से बढ़ाकर 2026 तक 905 और 2030 तक हमको 119 तक करना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण और मसौदा विधेयक 2021। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा 11 जुलाई 2021 को जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक मसौदा विधेयक उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत 2 बच्चों के मानदंड को लागू और बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी में आवेदन करने या पदोन्नति पाने और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, मसौदे के अनुसार स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से 2 बच्चों के मानदंड को अपनाने पर लोक सेवकों सहित लोगों को कई प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, जैसे पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, राष्ट्रीय पेंशन के तहत नियोक्ता अंशदान कोष एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड में 3% की वृद्धि, भूखंड या आवास स्थल पर बने हुए घर हेतु सब्सिडी, पानी बिजली और गृह कर जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट दे दी जाएगी। 1 बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारी या आम नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, 20 साल की उम्र तक बच्चे को बीमा कवरेज का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से 1 बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपत्ति, लड़का पैदा होने पर एकमुश्त 80,000 रुपये और लड़की होने पर 1 लाख रुपये के भुगतान के लिए पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश का पहला आयुध, ठीक है, आयुष विश्वविद्यालय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर पिपरी तर कुल्हा गांव में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस आयुष विद्यालय को क्या बोला जाएगा? महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश आयुध विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। ₹299 करोड़ की लागत से बनने वाले तथा 52 एकड़ में फैले विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग सहित सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उत्तर प्रदेश सॉरी राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को पूरा करने की समयावधि 2023 निर्धारित की है। उत्तर प्रदेश एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी, एडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी। 16 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी, अपनी धरोहर अपनी पहचान की तरह प्रदेश के लिए तैयार की गई उत्तर प्रदेश एडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी अपने धरोहर अपनी पहचान को अनुमोदित किया है। इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय
संस्कृति विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों, पुरास्थलों का स्थलीय विकास, रख रखाव एवं जन सुविधाओं का प्रबंधन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाएगा। इस नीति के तहत संरक्षित स्मारकों, पुरास्थलों को विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाने का प्रस्ताव है। चयनित स्मारक मित्र खुद के संसाधनों से स्मारकों का स्थलीकरण, स्थलीय विकास, पर्यटकों के लिए स्मारक परिसर में जन सुविधा प्रबंधन एवं वार्षिक रखरखाव आदि की व्यवस्था करेंगे। एडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी के तहत चयनित स्मारक मित्र उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग एवं संबंधित जिले के जिलाधिकारी के बीच समझौते से किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्कृति विभाग एवं पर्यटन विभाग की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कार्य होगा। मंत्रिमंडल द्वारा इस नीति के अंतर्गत प्रथम चरण में पुरातत्व निदेशालय, संस्कृति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के 11 प्रमुख स्मारकों स्थलों का चुनाव स्मारक मित्र बनाए जाने हेतु किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया है। चुने गए स्मारकों में छतर मंजिल एवं फरहत बख्श कोठी, कैसर बाग, लखनऊ कोठी, गुलिस्ताने इरम कैसर बाग लखनऊ, दर्शन विलास कोठी लखनऊ, होलास खेड़ा उत्खनन स्थल मोहनलालगढ़ लखनऊ, कुसुम वन सरोवर गोवर्धन मथुरा, गुरुधाम और प्राचीन दुर्ग बरुआ सागर झांसी शामिल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा चयनित अन्य स्मारकों को एवं धरोहरों को विकसित करने हेतु आवश्यकता अनुसार आवश्यक स्मारक मित्र बनाए जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नवीनतम पुरस्कार की बात की जाए। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के वर्ष 2020 के पुरस्कार 19 अगस्त 2021 को घोषित किए गए। संस्थान के सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती के लिए किसको? ओम प्रकाश पांडे का चयन किया गया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है ना? विश्व भारती अवार्ड किसको दिया गया है 2020 का? ओम प्रकाश पांडे को। डॉक्टर विशन लाल गौड़ को महर्षि वाल्मीकि व डॉक्टर कमला पांडे को महर्षि व्यास पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, डॉक्टर विशन लाल गौड़ को महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर कमला पांडे को महर्षि व्यास पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, अभी कुछ संक्षिप्तियां दी हैं, थोड़ा ये नेक्स्ट कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, इसके प्रमुख पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है, क्या क्या? डॉक्टर प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जो कि लखनऊ के हैं, इनको विश्व भारती पुरस्कार दिया गया, अभी हमने देखा था। महर्षि वाल्मीकि किसको दिया गया? डॉक्टर विशन लाल गौड़ को। महर्षि व्यास किसको दिया गया? डॉक्टर कमला पांडे को। महर्षि नारद दिया गया है। डॉक्टर चंद्रगुप्त श्रीधर वर्डेकर को विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर ददन उपाध्याय को दिया गया है और प्रोफेसर सत्यप्रकाश दुबे इनको भी विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर जय प्रकाश नारायण द्विवेदी ये कुशीनगर के हैं, इनको विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार इनको भी विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर कमलेश कुमार जैन इनको भी विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, अब कुछ शॉर्ट में इन्होंने पॉइंटर्स के रूप में यूपी का करंट अफेयर्स दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस निदेशक नियुक्त किया गया है? देवेंद्र सिंह चौहान को। ठीक है, 13 मई तक का करंट अफेयर्स दे रखा है एक तरीके से। 12 मई 2022 को NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है? तो ये बनारस है। 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका नाम है ई पेंशन पोर्टल। 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? इसका नाम है दस्तक अभियान। 22
सॉरी मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इनका नाम है शारदा सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इसका नाम है सरधना कस्बा। ये कहाँ है? सालवा और कैली गांव में। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जल संरक्षण में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा करी है? इसका नाम होगा महाराजा सुलहदेव विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया है, तो वह है रामपुर। 18वां उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर 23 मार्च 2022 को किसे नियुक्त किया गया था? यह है रमापति शास्त्री, इनको किया गया था। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष 29 मार्च 2022 को किसे चुना गया? सतीश महाना को, कानपुर के हैं, इनको चुना गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के किस मतदान केंद्र को ग्रीन बूथ बनाया गया था? ए पी सेन, ठीक, ए पी सेन पीजी कॉलेज है, इसको इन्होंने ग्रीन बूथ बनाया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वह साहित्यकार जिन्हें हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, इनका नाम है प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र। फिर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 29 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के किस जिले को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जल शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो यह है मुजफ्फरनगर। जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की वह शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका जिन्हें हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, इनका नाम है बबीता वर्मा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे की मंजूरी प्रदान करी है? तो गाजियाबाद से कानपुर को जोड़ने का भी एक प्रपोजल आया है। किसानों से गाय के गोबर को खरीदने की घोषणा हाल ही में किस सरकार ने करी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने करी है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में इस टाइप की कोई स्कीम चल रही है। मई 2020 में किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अजय कुमार मिश्र। हाल ही में किस आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च करी है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग, KBIC। तो ये हमारा अभी हमने देखा था गाजियाबाद में इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? तो नेपाल, केवल नेपाल ही टच करता है यूपी को। 16 इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की 6 लेन के 340.8 किलोमीटर भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? इसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 12 से 21 नवंबर 2021 को बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास किया गया? तो ये आजमगढ़। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक थी? तो यूपी 6ठे नंबर पर था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कंगना रनौत को बनाया है। ठीक है, लास्ट ईयर भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? इनका नाम है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 2,332 करोड़ की लागत से नवनिर्मित किन 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया? तो एक नाम है सिद्धार्थ नगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर। तो ये हमारे 9 क्या कहना चाहिए, 9 मेडिकल कॉलेज हैं जिनका भी लोकार्पण किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो यह ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से इसका उद्घाटन किया गया था। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम क्या रख दिया? अब इसको बोला जाएगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बनेगा? यह है वाराणसी। 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो यह कुशीनगर में था 20 अक्टूबर 2021 को। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया? इनका नाम है हे हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है? तो ये सितंबर 2021 में बोल दिया गया कि गौतम बुद्ध नगर में हमारा एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो ये गाजियाबाद है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये नोएडा में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की? इसका नाम हरिगढ़ रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हमने ऊपर भी देखा है, मेरठ में बन रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय। मेला भी वहीं लगता है ना। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के किस स्थान पर शपथ ग्रहण की है? इसका नाम है इकाना स्टेडियम। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज करी है? तो ये 47 महिलाएं थी। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई है? तो तीसरी रैंक दी गई है। सबसे ज्यादा मतलब गरीबों में हम तीसरे नंबर पर हैं, ठीक है। 37.79% जनता अभी भी निर्धन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ हुआ है? तो 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ हुआ है। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा 2021 में की है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ की को स्थापित करने की घोषणा करी है? तो इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ स्थापित की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की निर्णय लिया है? तो यह नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा करी? इसका नाम हरिगढ़ रखने की घोषणा करी है। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला 30 अगस्त 2021 को कहाँ रखी गई? तो यह गोरखपुर में रखी गई है। 5 सितंबर 2021 को वाराणसी में किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया? तो यह चुनार में किया गया है। उत्तर प्रदेश का वह आध्यात्मिक शहर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, तो मथुरा वृंदावन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसको अलीगढ़ में रखी गई है। 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश की देश की शीर्ष राज पुरस्कार मिला है इनको। प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने की निर्णय लिया गया, तो झांसी का नाम अब रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करा जाएगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिन्हें 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है, इनका नाम है मुकुल गोयल। 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया था? तो ये महोबा था।
उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो सिद्धार्थनगर का फेमस है काला नमक चावल। 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इनका नाम है डॉक्टर राम बाबू हरित को। हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो केन बेतवा लिंक यूपी और एमपी की एक संयुक्त क्या नाम प्रोजेक्ट है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश में कहां पर शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो यह है गोरखपुर में किया गया है। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य बन गया है कौन, तो यूपी में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल आपके हवाई अड्डे बन रहे हैं। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है, इसका नाम है ई पंचायत पुरस्कार 2021। उत्तर प्रदेश स्थित वह बैंक जिसे 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू कराया, इसका नाम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, इनका नाम है न्यायमूर्ति बी के नारायण। फिर है भारतीय राजस्व सेवा के वह अधिकारी जिन्हें अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया, इनका नाम है संजय श्रीनेत। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, इनका नाम है जस्टिस संजय यादव। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम UNDP ने जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की, वह है सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर। लखनऊ और गौतम बुद्ध के नगर के बाद उत्तर प्रदेश के किन दो अन्य शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है, तो वाराणसी और कानपुर में। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर की तरह अब क्या होगा, यहाँ पे कमिश्नरी प्रणाली स्टार्ट हो गई है। 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी, तो इसकी शुरुआत वाराणसी से की गई थी। ठीक है, बस इसमें इतना ही था, जितना था मैंने आपको बता दिया, यूपी स्पेशल इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।